press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो जीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग अक्सर जीएस की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जीएस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ज्यादातर पॉलिटी होता है, मतलब सिलेबस में जो हमारे होता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। परंतु जब हम परीक्षा देने जाते हैं, खासतौर पर वनडे एग्जाम SSC या रेलवे, तो वहां पर हमसे कुछ इन सिलेबसों से थोड़ा हटकर पूछा जाता है। तो इसी जीएस को एक अलग नाम दिया गया है, जिसको ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको परंपरागत सामान्य ज्ञान की बात कहते हैं, और यह ज्यादातर आजकल टॉपिक से हट करके पूछा जाता है, क्योंकि ये चीजें किसी सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस होती है, इनको हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। लेकिन ये प्रश्न चूंकि ट्रेडिशनल है, चेंज नहीं होती है, और ये चीजें बार बार पूछी जाती है, खासतौर पर रेलवे और SSC को पूछता है। तो पिछले 4-5 सालों में जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनका मेरे पास थोड़ा कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, लेके आऊंगा, और आप लोग उसका जो है एज ए क्विज आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक में कुछ प्रमुख स्थान के बारे में है, कुछ प्रमुख प्लेस के बारे में है, और वहां पे प्लेस पे क्या चीज फेमस है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन एक है आपका पंजाब, मध्य प्रदेश, मेघालय और छत्तीसगढ़। ज्यादातर स्टूडेंटों के आंसर आ गए होंगे, बताइए क्या होगा। 5 नदियों की भूमि, तो इसका उत्तर होगा पंजाब। पंजाब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पंजाब अर्थात 5 नदियों की भूमि वाला राज्य इसको कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम पंजाब है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये पूछा गया था RRB NTPC 2016 की परीक्षा में। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि नवाबों का शहर किसको कहा जाता है। बहुत ही आसान होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन देने की भी आवश्यकता यहां पर नहीं। कौन सी जगह को भारत की ब्लू सिटी कहा जाता है? चाहे इस बात है ब्लू सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पटियाला है, जयपुर है, उदयपुर है और जोधपुर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर जोधपुर होगा। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, और इसको जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण, स्वर्ण को हम लोग गोल्डन से इसका मत लीजिएगा। स्वर्ण एक नदी है, मेरे कहने का सेंस है कि स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है, स्वर्ण नदी। तो ऑप्शन है आपके ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन। ये आपका प्रश्न पूछा गया था RRB ग्रुप D 2013 की परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा सोन। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य नाम का क्या अर्थ होगा। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई उपाधि हमें दी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उत्तर दीजिए। कौशल का सूर्य, सन ऑफ प्रोविस, वो जिसको हराया ना जा सकता हो, ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है सूर्य भगवान का पुत्र, कर्ण को सूर्य भगवान का पुत्र, सूर्य पुत्र कहा जाता था, और भगवान का उपहार गिफ्ट्स ऑफ गॉड। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। जी इसका आंसर होगा कि कौशल का सूर्य, सन ऑफ प्रवेश। तो कौशल का सूर्य, जिसके पास सूर्य जैसा कौशल हो उसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही उपाधि दी गई थी।
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की परीक्षा एसटीटीओसीआरए 2017 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राज्यों में से कौन भगवान की अपने देश के रूप में जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य को भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए, ये परीक्षा आरआरबी टीसी सीसी 2014 जो 2014 में टीसी और सीसी की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के अपने देश के रूप में कौन सा भारत का राज्य जाना जाता है। तो ज्यादातर लोगों के ऑप्शन क्या होंगे, इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल को भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है। मैं समझ रहा हूँ ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश को टिक किए होंगे। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य पहले उत्तर पूर्व सीमांत के नाम से जाना जाता था? उत्तर पूर्व सीमांत, गेस कीजिए, उत्तर पूर्व की ओर जो राज्य होंगे वही हो सकते हैं। और आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्व सीमांत संस्था के नाम से जाना जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूर्योदय देखने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा होगा? तो सूर्योदय देखने वाला भारत का पहला प्रदेश, अब जाहिर सी बात है जो सबसे पूर्व दिशा में होगा भारत के, अरुणाचल प्रदेश ही होगा। और सबसे पश्चिम दिशा में गुजरात है, तो सबसे बाद में सूर्य उदय कौन देखता है? आपका गुजरात देखता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखता है। सबसे अगर हम उत्तरी पॉइंट की बात करें तो भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट जम्मू कश्मीर का इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिण पॉइंट अगर बात करें तो कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगुआडा सेंट्रल जेल, अगुआडा सेंट्रल जेल जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में तब्दील कर दिया गया है, भारत के किस राज्य में? प्रश्न है अगुआडा सेंट्रल जेल जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में तब्दील कर दिया गया है वो भारत के किस राज्य में है? एसएससी 10 प्लस 2 की 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, अभी हाल ही में उसको तब्दील भी किया गया है। भारत के किस राज्य में है? और आपके जो ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो उत्तर होगा वो गोवा होगा। गोवा में अगुआडा सेंट्रल जेल था और काफी पुराना जेल है और हमारे आधुनिक इतिहास से संबंध भी रखता है, पढ़ेंगे अगर इसके बारे में तो। और इसको जो है अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, ये गोवा राज्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने मधुमेह रजिस्ट्री मतलब डायबिटिक रजिस्ट्री का स्टार्ट किया है। आपका प्रश्न है भारत का पहला राज्य जिसने मधुमेह रजिस्ट्री डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है केरल, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर गोवा होगा, गोवा ने डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भोजेश्वर, भोजेश्वर शिव का मंदिर है, आपको उत्तर दे रहा हूं मैं। भोजेश्वर जो कि शिव का मंदिर है ये भारत के किस शहर में है? आपके ऑप्शन है भोपाल, ये एसएससी झारखंड 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, भोपाल, जबलपुर, अनूपपुर या भोजपुर। तो भोजेश्वर, भोजपुर थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, तो भोजपुर ही इसका सही ऑप्शन होगा और भोजेश्वर के नाम पे ही इस नगर का नाम भी पड़ा है भोजपुर, ये झारखंड में है। आइए थोड़ा सा, चूंकि जो भोजेश्वर शिव का मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो जरा इसके बारे में हम जान लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वो कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन की, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में मंदिर आता है वो सोमेश्वर है,
सोमेश्वर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसको जो है मुगल जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमणकारियों ने इसको जो है ध्वस्त कर दिया था। सोमेश्वर का जो सोमेश्वरनाथ का मंदिर है ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। फिर हम बात करते हैं महाकालेश्वर के बारे में। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर चौथा 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, चौथे स्थान पर, ये मध्य प्रदेश के ही इंदौर जिले में है। और पांचवें नंबर पर आता है केदारनाथ, केदारनाथ को सभी जानते हैं, ये उत्तराखंड में है। भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। काशी विश्वनाथ, जाहिर सी बात है काशी वाराणसी का ही नाम है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये त्र्यंबकेश्वर जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। बैद्यनाथ झारखंड के संथाल जिले में है। फिर नागेश्वर की अगर हम बात करें तो ये भी गुजरात से थोड़ा हट के एक टापू है जिसको द्वारिका के नाम से जाना है। श्री कृष्ण की नगरी है, ये द्वारिका में है। फिर रामेश्वरम के बारे में हम सभी जानते हैं, ये श्री राम के द्वारा बनाया गया मंदिर था और ये तमिलनाडु में है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यहीं के थे, रामेश्वरम तमिलनाडु। फिर 12वें स्थान पर है घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में है। तो ये हमारा जो है 12वां ज्योतिर्लिंग के नाम है और उनके स्थान है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है कि सूर्य का मंदिर कहाँ है। तो सूर्य का मंदिर आपके सामने ऑप्शन है, ज्यादातर लोगों के आंसर आप ही गए होंगे, अमृतसर, कोणार्क, हम्पी या अजंता एलोरा। जाहिर सी बात है सूर्य का कोणार्क मंदिर कोणार्क में ही होगा। भारत में सबसे पहली मस्जिद कहां बनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहली मस्जिद कहां बनी, तो ये SSC स्टेनो 2017 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए ऑप्शन जानते हैं इसके, दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद या कोंदुन गल्लूर। आपके ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद, नाम बदल गया है अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, और कोंदुन गल्लूर, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा कोंदुन गल्लूर, ये चेन्नई में है और इसके पीछे की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये भारत में पहली मस्जिद है, इसका निर्माण 629 ईस्वी में हुआ था और इस मस्जिद का नाम चेन्नूर करके कोई एक राजा था, उस राजा ने इसका निर्माण कराया गया था और ये मक्का मदीना की यात्रा पर गया हुआ था, वहां से काफी प्रभावित हुआ और ऐसा सुनने में आता है कि इसने जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया था। खास बात इस मस्जिद की यह है कि ये मस्जिद जिस समय मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब जब जीवित थे उसी दौरान ही भारत में मंदिर बनाई गई 629 ईस्वी के आसपास। और जो जिस राजा के बारे में बात कर रहा हूँ, चेन्नूर, इसी के नाम पे मंदिर है भी और ये मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ये जब मक्का से यात्रा करके लौट रहा था तो रास्ते में ही इसकी किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसी के अपने किसी मित्र को अपनी इच्छा इसने जताई थी, उसके मित्र ने इसी के नाम पर ये जो है मस्जिद बनवाया था। और ऐसा माना जाता है, ऐसे सच भी मिले हैं कि वहां पर जो मस्जिद बनाया गया था इसके पहले वहां बौद्धों का कोई धार्मिक स्थल था। आइए सुनते हैं, श्री ओमकार मानधाता मंदिर, श्री ओमकार मानधाता मंदिर किस लिए जाना जाता है, तो ये भी ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। तो आशा करता हूँ ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में ये जानकारी थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मैं परंपरागत सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चन होते हैं इन पर रिसर्च करके मैं इस पे जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं बारी बारी से डालता रहूंगा और आप लोग देखिए परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।